अभी से 6 महीने से भी पहले रिलीज हुई थी ऋतिक रोशन एंड सैफ अली खान के साथ बॉलीवुड में साउथ की रिमेक मूवी विक्रम वेदा, जो 7 महीने के बाद भी ओटीटी पर रिलीज नहीं की गई। और क्यों अभी तक रिलीज नहीं की गई और अभी ये मूवी कब रिलीज होने वाली है, तो अभी आपका वेट खत्म होने वाला है क्योंकि ये मूवी जल्द ही हमें जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिलने वाली है और वो भी इसी मंथ में। तो क्या होने वाली है डेट और क्या है वो अपडेट, वही जानते हैं इसी वीडियो में। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज की अपडेट में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं विक्रम वेदा की ओटीटी रिलीज के बारे में, जिसकी ओटीटी रिलीज का 90% कंफर्म हो चुका है और जो मोस्टली बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की ओर से कंफर्म कर दिया गया है। तो ये मूवी हमें इसी मंथ में 12 मई को जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। और अभी जैसे आईपीएल के चलते हुए जियो सिनेमा बिल्कुल फ्री चल रहा है, तो ये मूवी हमें बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। जैसे आप अगर फोन पे देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा की ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, अगर आप लैपटॉप पे देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा की वेबसाइट पे जा सकते हो और मूवी सेक्शन के अंदर जाते हुए इस मूवी को फ्री में देख पाओगे। लेकिन इस आईपीएल के बाद एक नया ट्विस्ट आने वाला है, जो है कि आपको आगे जियो सिनेमा पे मूवीज देखने के लिए नेटफ्लिक्स, अमेज़न या फिर G5 के जैसे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको नई मूवीज देखने के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा, लेकिन कुछ पुरानी मूवीज आप फिर भी फ्री में देख पाओगे। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए इस वीडियो पे जोर से लाइक ठोकें और लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और बाकी ऐसी ही अपडेट इमीडिएट लेते रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे भी फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना और अपनों का ध्यान रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।